न रहे कि कयामत में कोई उज्र दे दे कि हमें तो बताया ही नहीं था। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि इबादत के साथ वो इबादत कबूल नहीं होती जिसमें अहले बैत ना हो, रसूलुल्लाह का घर ना हो। अगर तौहीद है तो तौहीद अहले बैत के साथ है, बिना तो अहले बैत के कोई तौहीद नहीं है। अगर अल्लाह ताला को इबादत करानी होती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना फरमाता। अगर अल्लाह को इबादत ही करवानी होती, और दूसरी बात, इबादत से अगर कोई वली बनता, इबादत से कोई वली बना है? नहीं, शैतान बना उससे। तमाम इबादत करने के बावजूद भी शैतान तो बन सके, लेकिन वली कोई नहीं बनता। वली वो बनता है जिसे अल्लाह ताला चुन लेता है, दुनिया में नहीं। जाहिर क्यों ना हो कि फलाने ये काम किया, फलाने ये काम किया, लेकिन हकीकत में चुनाव उसका वही होता है। इसी तरह से शहादत का जो मामला था वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे नहीं था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबा करना नहीं था। वहां पर छुरी खुट्टा लो गई, मेंढा आ गया, दुम्बा आ गया। दुम्बा सबको याद है? ईमानदारी से बताओ, दुम्बा सबको याद है? कुनबा भी याद है नबी का? नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन से है ना रिहाई, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा है ना, इब्राहिम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सब याद है, लेकिन नवासे रसूल को सब भूल गए। कहा गया आशूरे के दिन इन नबियों पे जो आफतें आई थी अल्लाह ताला ने दूर करी, लेकिन किसके सदके से करी ये नहीं बताता कोई भी। ये पांच तन है जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने सब तमाम नबियों पे परेशानी आई इनके सदके में। और जब तुम पढ़ोगे तारीख, क्योंकि मुल्ला तुम्हें बता नहीं रहा, मुल्ला नहीं बताएगा। अब तहकीक क्या करनी है? हमें तहकीक करनी पड़ेगी क्या सच है। अगर मान लो शादी भी होती है तो लड़का देखने जाते हैं, भाई लड़का सही है लड़की सही है, तो तहकीक है ना कि जिस इस्लाम पे हम चल रहे हैं वो सही है ये झूठा है। हमें किस इस्लाम को कबूल करना है? हुसैनी इस्लाम को। हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफा से है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 55 साल रहे मदीना तक, और करबला से लेकर आज तक दीन जो है वो हुसैनी है, इसकी पहचान हुसैन से है। क्योंकि सरकार ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आज जो दीन की पहचान है, जिसे मुल्ला छुपा रहा है, जिसे मुल्ला छुपा रहा है, असली पहचान दीन की हुसैन है। क्योंकि ख्वाजा मईनुद्दीन किसी मुल्ला नहीं बताएगा, क्योंकि मौला ने बताया, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने बताया, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन, यानी कि शाह भी बादशाह, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, और दीन भी हुसैन है, और जिसे दीन की पनाह भी चाहिए वो भी हुसैन है। अगर पनाह चाहिए मुल्ला के पास मत जाओ, मौला के पास आओ, क्योंकि शैतान सींग लगा के नहीं आता है, मुल्ला की शक्ल में आता है, ध्यान रखना, मौलवी की शक्ल में आता है। 1400 साल से लेकर आज तक जितनी भी गर्दन कटी, आज भी गर्दन कट रही है इमाम हुसैन।